ये रेफर किया है इन्होंने, कितने पैसे मांगे? नरेश शर्मा इनका नाम है। कोई नहीं, हम देखते हैं करते हैं। कोई मेडिकल कॉलेज का हमने दौरा लगाया है, लेकिन मुश्किल की बात तो ये है कि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हालात बड़े गंभीर और चिंताजनक बने हुए हैं। हम उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करेंगे कि वे जल्द से जल्द बिना समय गवाए आप हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जम्मू में दौरा करें और यहाँ पे हालात का जायजा लें, क्योंकि बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी है बेहद, और वेंटिलेटर्स की भी कमी है। तो इसकी कमी को दूर किया जाए, और साथ में हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार जो है ये एडिशनल कोटा जो है वो ऑक्सीजन का हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SMGS और गांधीनगर के कॉलेजेस और जितने भी एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं हमारे जम्मू के, वो वेंटिलेटर के ऊपर चले गए हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कोमा में चला गया है। कोविड के पेशेंट्स को, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अभी हम कोविड वार्ड में भी गए थे और वहाँ पे उनका ये था कि एक तो ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा वो मरीज को बाहर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंसेज हैं वो एम्बुलेंसेज वाले 50,000 रुपया मांग रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब उपराज्यपाल साहब आपने ये घोषणा की हुई है कि तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का बीमा पॉलिसी आपने शुरू की हुई है, तो फिर उनको बीमा पॉलिसी के अधीन लाएं, और साथ में हम ये भी कहेंगे कि तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 50,000,000 रुपए की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स की इंश्योरेंस की हुई है। तो फिर ये देखिए कि क्या वजह है, पैरामेडिकल स्टाफ कोविड वार्ड में जाने से क्यों डर रहा है। इन तमाम चीज़ों की छानबीन की जाए, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब आप बिना समय गवाए आज ही तुरंत हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जम्मू के अस्पतालों का दौरा करें।